सागर के जयंत सेन काफी समय से अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। वो कई समय से डांस और एक्टिंग में ऑडिशन दे रहे थे, पर उनकी मेहनत 7 साल बाद एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन के माध्यम से सफल हुई है। हमने जयंत सेन से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि मैंने अपनी अलग पहचान बनाने के लिए बॉलीवुड के कई प्रोडक्शन हाउस में कई बार अप्लाई किया, परंतु निराशा ही हासिल हुई। फिर मुझे एलएक्स फिल्म प्रोडक्शन का पता चला कि वहां से कई कलाकारों को मौका मिला, तो मैंने लास्ट कोशिश की और मैं सफल हुआ। मेरा सिलेक्शन शिव शक्ति सीरियल के लिए हुआ, जो कि मैं अभी 10 दिन का शूट करके आया हूँ, और अब मुझे अगले प्रोजेक्ट जो कि वेब सीरीज के लिए मेरा सिलेक्शन किया गया है, इसका पूरा क्रेडिट एलएक्स फिल्म प्रोडक्शन को जाता है, जो कि मेरे टैलेंट को देखा और मुझे मौका दिया। और मैं सभी कलाकारों को कहना चाहता हूँ कि आपका भी अपना टीवी सीरियल, मूवी, वेब सीरीज में काम करने का मन है तो आप भी एलएक्स फिल्म प्रोडक्शन को ज्वाइन करें। वहीं आज सागर आने पर दोस्तों और नगर वासियों ने फूलमालाओं से स्वागत किया। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। कलर्स टीवी पे किस प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ? मेरा शिव शक्ति तब त्याग तांडव में हुआ। वो कैसे, क्या हुआ? वो एलएक्स फिल्म प्रोडक्शन के माध्यम से शिव शक्ति में मतलब इनका जो प्रोडक्शन में सिलेक्शन हुआ है, तो आपको कैसा क्या लगा? अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारे बीच के कोई किसी व्यक्ति ने पहली बार ये मुकाम हासिल किया है। सागर जो है हमारा ग्रामीण परिवेश का एक क्षेत्र है, यहाँ पर उद्योग जगत से और राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कई लोगों ने नए मुकाम हासिल किए हैं। इसी तरह से अभिनय के क्षेत्र में पहली बार हमारे बीच के एक युवा ने मार्ग प्रशस्त किया। मैं सभी युवाओं से आग्रह करूंगा और निवेदन करूंगा कि वो भी अगर इस फील्ड में अगर आगे जाना चाहें तो करियर की बहुत संभावना है। और इस अवसर पर मैं जयंत परमार को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जीवन में खूब तरक्की करें, इसी आशा और शुभकामनाएं के साथ मैं सभी सागर वालों की तरफ से इन्हें बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ। आपका? सुधीर वाटिया, सामाजिक कार्यकर्ता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।